हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे कुकिंग ब्लॉग में। तो फिर चलिए कुछ बनाना शुरू करते हैं आज हम। तो आज की रेसिपी है वेज बिरयानी। तो बिरयानी के लिए हम लगभग 2 कप चावल लिए हैं और इसे हल्के हाथों से साफ़ करेंगे। अगर हम कस करके ज़ोर से साफ़ करेंगे तो ये टूटना शुरू हो जाएगा। ये हम कुछ सब्जियाँ लिए हैं, गोभी, आलू, गाजर और सोयाबीन मटर, और ये अदरक लहसुन का हम पेस्ट बनाएंगे। और ये कुछ हम गरम मसाले ले लेते हैं। गरम मसाले आप अपने अनुसार ले सकते हैं, जैसे आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो ज़्यादा लीजिए थोड़ा, नहीं तो फिर बहुत ही कम लीजिए। ये दही है तो हम यहाँ कबाब चीनी ले रहे हैं, हरी इलायची ले रहे हैं, जावित्री ले रहे हैं, थोड़ा सा काली मिर्च ले रहे हैं, दालचीनी, स्टार फूल, लौंग और थोड़ा सा पत्थर का फूल ले रहे हैं। इसको हम दरदरा मिक्सी में ही दरदरा कूटेंगे। हम थोड़ा सा धनिया ले रहे हैं, बस थोड़ा सा ही धनिया है, और 1 टेबलस्पून जीरा है। तो चलिए हम इसको पहले क्रश कर लेते हैं। इस तरह से हम क्रश कर लिए इसको। और अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट बना लेते हैं। ये पुदीना है और हरा धनिया है, इसको बारीक हम काट लेंगे। ये हम पानी गर्म होने के लिए दिए हैं जिसमें हम चावल उबालेंगे। तो इसमें हम कुछ खड़े गरम मसाले डाल देते हैं, कुछ नींबू के टुकड़े डाल लेते हैं और इसको उबलने देते हैं। थोड़ा नमक है 1 टेबल स्पून। अब हम इधर कढ़ाई गर्म कर लेते हैं और इसमें हाफ घी और हाफ ऑयल डाल देते हैं। ये लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर है। इसमें हम सारी सब्जियों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये आलू हम ऐड किए हैं इसमें। इसमें हम गाजर ऐड कर रहे हैं। मटर हम इसमें बाद में ऐड करेंगे क्योंकि वो फ्रोज़न वाला मटर है तो फिर वो ख़राब हो जाएगा, जल्दी से पक जाता है वो। अगर आपके पास ताज़ा मटर है तो फिर आप पहले ही डाल लें साथ में ही। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम इसमें प्याज को गोल्डन ब्राउन करेंगे। पहले हम इसके लच्छे थोड़े हटा लें। ये दही है, दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अगर आप दही नहीं डालना चाहते हैं तो इसके जगह पे आप टमाटर का प्यूरी ऐड कर सकते हैं। इसमें हम सारे मसाले मिक्स कर लेंगे। अगर आप थोड़ा कम स्पाइसी खाते हैं तो फिर आप कम मसाले लें। हल्दी ऐड कर रहे हैं।
अब हम इधर धनिया और पुदीने के पत्ते को बारीक कट कर लेंगे। इधर प्याज ब्राउन हो चुका है, अब हम इस प्याज को हम आधा निकाल लेंगे और आधा इसी में रहने देंगे। अब हम इसमें फ्राई किया हुआ सब्जियां ऐड करेंगे। मटर को हम लास्ट में डालेंगे। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अब हम इसमें जो दही में मसाले ऐड किए थे वो दही ऐड करेंगे। बिल्कुल स्लो फ्लेम कर लेते हैं यहाँ पे, नहीं तो दही फट जाएगा। और इसको लगातार चलाते रहें। इसमें उबाल आने लगा है, थोड़ी सी रेड चिल्ली पाउडर ऐड करें। इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। अब इधर जो चावल उबल रहा है उसमें जो गरम मसाले डाले थे और नींबू डाले थे उसको हम अलग कर लेते हैं। इधर सब्जियों को हम थोड़ा सा अलग कर लेंगे। अब हम इसमें उबला हुआ चावल ऐड करेंगे। इसमें थोड़ी सी हम मटर ऐड कर लेते हैं जो पहले रखे थे, उसको हम मिक्स कर लेंगे। ये चावल बिल्कुल लगभग 70% पक चुका है। अब हम इसमें चावल ऐड कर देते हैं। इसके बाद हम अनियन ऐड करेंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता ऐड करेंगे। फिर हम इसके ऊपर सब्जियां ऐड करेंगे जो सब्जी निकाले थे। फिर हम एक लेयर और चावल का डालेंगे। फिर हम इसके ऊपर सब्जियों को डालेंगे। फिर हम इसके ऊपर प्याज डालेंगे, धनिया पत्ता ऐड करेंगे इसमें, ये ग्रीन चिली है इसको भी रख देते हैं इसके ऊपर, धनिया पत्ता ऐड कर लेते हैं और हम इसमें से थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे। आपको अगर केवड़ा पसंद है तो केवड़ा का जल भी डाल सकते हैं इसमें। ये फूड कलर है। उसके बाद देसी घी डालना है और इसको फिर ढक देना है। ये गीला कपड़ा है, इसको इसके ऊपर फिर ढक देते हैं या फिर आटे से इसको दम लगाना है।
और इसको स्लो फ्लेम पे लगभग 10 मिनट तक रखना है। इस तरह से चारों तरफ हम बंद कर देंगे। अब इसको हटा करके इस पे एक तवा रखते हैं और तवा को हम गर्म करके उस पे हम 5 मिनट चढ़ाने के बाद 5 मिनट के बाद गैस बंद करके हम छोड़ देंगे। तो पहले फ्लेम पे 10 मिनट रखना है, फिर तवा पे तवा को गर्म करके 5 मिनट तक तवा गर्म करना है मीडियम फ्लेम पे, उसके बाद इसको रखना है। अब ये तैयार हो चुका है हमारा वेज दम बिरयानी। ये बहुत ही अच्छा खुशबू है, बहुत ही अच्छा कलर है, इसमें बहुत ही खिला खिला बना है। अब चलिए प्लेटिंग शुरू करते हैं। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही खिला खिला अच्छा कलर लग रहा है इसमें। ये देखिए तैयार है हमारा वेज दम बिरयानी। आप भी इस तरह से बनाइए, खाइए, और कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।